Hallo. मंदिर के बाईं ओर हवन चल रहा है। मेरा आप सभी आपके टेलीफोन नंबर, पता और मेल आईडी जरूर लिखवाएं। यदि आप इस कार्यक्रम से निमित्त कोई सहयोग करना चाहते हैं तो वो सहयोग राशि भी वहां जरूर लिखवा सकते हैं, दे सकते हैं। बिना आप लोगों के सहयोग के इतना बड़ा कार्यक्रम चलाना संभव नहीं है। आप लोगों के सहयोग से ही इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाता है। जो लोग भी मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी आवाज इसको सुनाई दे रही है, अपने परिवार के लोगों को एक एक लोग यहाँ पर बाई हो, जहाँ हवन चल रहा है वहां जरूर भेजे। धन्यवाद करता हूँ श्री कृष्ण मोहन तिवारी जी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। वो हमारे ऐसे सहयोगी हैं कि छठ घाट बनाने से लेकर उसका पेंट करने की पूरी व्यवस्था वो देखते हैं। यहाँ पर पूरा 5 दिन 7 दिन पहले से व्यवस्था हुई है। उसमें 2 प्रमुख लोग हैं, एक सिविल डिफेंस की तरफ से जो लोग आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गुडियर सिक्योरिटी भाई संजय सिंह जी की व्यवस्था है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। भाभी जी यहाँ आई भी है, हमारी नेता भी है, भाभी भी है, अगर वो आई है तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सुकांत जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी बहुत सारी ऐसी लंबे समय से हम लोगों के संग जुड़े हुए और इन व्यवस्थाओं में अपना साथ देते हैं। एक बार मैं पुनः उन लोगों को फिर दोबारा से याद दिलाता हूँ कि हम लोग हाथ ना बांधे और एक बार जोरदार तरीके से लगाइए। समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए सब लोग समझ गए, रॉबिन भाई मैं बाबा रामदेव की तरह आसन नहीं करा रहा हूँ बल्कि छठ मैया के लिए आह्वान कर रहा हूँ। कृपया दोनों हाथ उठा करके जो भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो मैया में आस्था रखते हैं, ये उन लोगों पे लागू नहीं है जो नहीं आस्था रखते हैं। प्लीज जोरदार तरीके से अपना हाथ मेरे पर उठाएं, मुट्ठी बंद करें और एक बार जयकारा बोले, बोले छठ मैया की, बोले छठ मैया की, छठ मैया की। ये आवाज थोड़ी कम रही है, मैं पुनः 10 मिनट बाद फिर दोबारा आप लोगों को जगाऊंगा क्योंकि ये तो एक्सरसाइज का भी समय है ना, तो मेरा साथ जरूर दीजिएगा। ये आप लोग जब जयकारा बोलते हैं तो हम लोग को भी एनर्जी मिलती है। अभी इसी कार्यक्रम के साथ साथ में हम लोगों ने तुलसी मैया के पौधों का यहाँ पर व्यवस्था करी है। जब भी अर्घ हो जाएगा, अर्घ के बाद जो भी व्रती है वो यहाँ स्टेज पे आकर के तुलसी का पौधा अवश्य लेकर के जाए। ये परंपरा बहुत लंबे समय से हम लोग यहाँ करते आए हैं। सूर्यदेव जो लोग हवन में शामिल नहीं हो पाए हैं, ये बाई और मेरे बाई और हवन हो रहा है, वहां शामिल होकर के अपने परिवार के एक सदस्य को जरूर भेजे। यहाँ मंदिर के बगल में बाई और शुद्ध जल और दूध की व्यवस्था की गई है। जो बंधु अपने साथ दूध और जल लेके नहीं आ पाए हैं उनसे निवेदन है वो यहाँ आकर के अभी ले लेंगे तो अर्घ के समय में उनको दिक्कत नहीं होगी। भीड़ भाड़ के समय में कार्यक्रम सुचारू रूप से चले इसके लिए बहुत जरूरी हो कि आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी जानकारी आपको दे दूं, भरत भाई जो छठ पूजा समिति के आईटी प्रमुख हैं, इनके माध्यम से हम ये कार्यक्रम पूरा लाइव दिखा रहे हैं।
जोड़ करके उस कार्यक्रम को और सफल बनाए, ऐसी हमारी कामना रहती है। इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, ये सारी देख सकते हैं। और अपना जो रिव्यू है बाद में हमें जरूर दें, क्योंकि आपके रिव्यू से ही अगले साल हम कुछ और अधिक अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी में कोई गलती हो जाए उसे भी आप लिखेंगे। द्वारका छठ पूजा महोत्सव का आखिरी पड़ाव जो 6:34 पे खत्म होगी, सूर्योदय का अर्घ के साथ पूर्वांचल के वासी यहाँ पे हैं और जो नहीं भी हैं, जो देखने के लिए आए हो, उनको द्वारका छठ पूजा के तरफ से हार्दिक बधाई है। और आपका आने वाला दिन छठ माँ की कृपा से सुखमय हो, इसी आशीर्वाद अनुकंपा से आप तमाम
और कुछ समय के लिए अपनी मधुर वाणी में छठ मैया के गीत पेश करें। धन्यवाद। जो भी हमारे मैं दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के बंधुओं से और सारे वॉलेंटियर से आग्रह करूंगा कि घाट के आसपास कोई भी अनवांटेड एलिमेंट नजर आए उसको यहां से हटाइए और पुलिस को हैंडओवर कीजिए। आप सभी लोग अपने आसपास सजगता से सतर्कता से ध्यान रखिए, किसी भी तरह की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। घाट के आसपास अभी घाट नंबर 17 से एक महिला के हाथ से एक लड़का मोबाइल छीन के भागा और मैं ताजुब कर रहा हूँ इतनी भीड़ में ऐसी घटना हो कैसे गई। अभी सूचना आई है, आप लोग अपने आसपास जरा ध्यान रखें, अपने सामान का भी, अपने बच्चों का भी, छोटे छोटे बच्चे जिनके मैं उनके माता पिता से अनुरोध। चैनल पे आएगा एक गाड़ी DL 606। जाओ बैठ जाओ, आवाज़ मैं आपसे
में सूचना देना चाहूंगा कि आप सब अपने आसपास अपने सामान का और बच्चों का विशेषकर ध्यान रखें। सेवका के जे आवे सजल रथ वात ध्वजा फहरत आवे हो देवी लोग आवे लाल डोलिया अवरो पियर डोलिया हो देवी लोग
धन्यवाद चाह साहब, बहुत ही सुंदर रचना एक ही समय पे करें, बारी बारी से आराम से कर सकते हैं जिससे व्यवस्था बनी रहे। और एक बार पुनः मैं आप लोगों को ये अनुरोध करूंगा कि अपने आसपास अपने समान का और विशेषकर बच्चों का और परिजनों का आप लोग स्वयं ध्यान रखें। बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, तमाम चीजें की गई, फिर भी एक अप्रिय घटना घटी गई। आप सब लोग स्वयं तमीशानम् जगतः धुगस्पतिम् धियम् जिन्नवमसीहुमहि वयम् ऊघानो यथा वीरसामसद्धीरक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो विघ्ननाशो विनायक दम्रगे दुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यापणे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये आवीप्सितासिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्येस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रपरश्याम हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वराः देवादिसन्ति नः सिद्धिं ब्रह्मेश न जनार्दनः विश्वेशवं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप सभी प्रतियों से निवेदन है कि अर्घ पात्र को लेकर के सावधान हो जाए, पूर्वाभिमुख होकर के और अर्घ देना प्रारंभ करें। ओम ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। आदित्याय नमः। ओम
सूर्यसहस्रांसो तेजो राशे जगत्पदे अनुकंपय मां भक्त्या ध्यानार्घ्यं दिवाकर ॐ सूर्याय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ भास्कराय नमः ए सूर्य सहस्रांसो तेजो अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर ॐ सूर्याय नमः विशेषकर जो ये वितरण किया जाएगा वो व्रतियों के लिए है। एक एक करके दे दो, एक एक करके आराम से शांति से एक एक करके आप पौधा लीजिए और जो प्रति है उनको आने दीजिए, वो आए यहाँ पर और फिर लेके जाए तो अच्छा लगेगा। हमारे पास तुलसी पौधों की कोई कमी नहीं है, कैलेंडर्स की कमी नहीं है, सीडी की कोई कमी नहीं है, आप हड़बड़ी ना करें प्लीज। सबको देखे हटाइए।
आप लोग क्या करोगे? आप लोग द्वारका छठ पूजा समिति के द्वारा पंद्रहवीं छठ पूजा अब सभागर की ओर सबसे पे आपसे अपील करता है, तो फेकुआ जरूर देखे जाए भैया, फेकुआ जरूर देखे जाए गेट पे या मंच पे। पूजा समिति की ओर से तुलसी का पौधा या प्रतिमा जरूर लेके जाए। माताओं से अपील है बच्चे बुलाने दें इनको, इनको रास्ता में आने का। भैया फेकुआ जरूर लेके जाए, आपसे किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम ना हो उसका भी ध्यान रखें। पूर्वांचल और हिंदू संस्कृति का एक महान सब त्योहारों का इसका समापन कुछ ही देर में होने वाला है। इस अवसर पे आप तमाम भाइयों से अनुरोध है कि फेकुआ जरूर देखे जाए। हम फेकुआ का आप लोगों पर ही विश्वास करेंगे, जो पिछले घर पे छठ नहीं हुआ है वो छठ का प्रसाद इसी मंच से लेके जाए। आदरणीय सभी भाइयों से माताओं से मेरा निवेदन है, गोविंद भाई जी या चंद्रशेखर राय जी, हमारी पूजा कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक पूजा आए माता रानी की कृपा से। पंद्रहवा साल जो माताएं मैंने तुलसी का पौधा नहीं ले पाई है वो यहाँ आकर के ले ले, क्योंकि अब सीमित रह गया है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, हमारे भाई रॉबिन शर्मा, रॉबिन जी किसका की अनुकरण जिससे सी आए यहाँ पर मंच पर थोड़ा देर से पहुंची है। ये जो यहाँ व्यवस्था है उसमें बहन जी का बहुत बहुत योगदान रहता है और मुझ पर और रॉबिन जी पर विशेष आशीर्वाद रहता है। दीदी का इस छठ पूजा के इस शुभ अवसर पे आप सभी को अपना शुभ संदेश बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई चंद्रशेखर राय और रॉबिन जी और उनकी टीम ने प्रांगण में इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं सर्वप्रथम रैसा और उनकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, बहुत सारी बधाई दूंगी और साथ ही साथ में आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी लगन इस स्थान को इतना सुंदर और इतना पवित्र बनाती है कि यहाँ का माहौल चेंज होते हुए देर नहीं लगती। आदरणीय बंधुगण, मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी पूरी दिल्ली सरकार
की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, बहुत सारी बधाई दूंगी और इसके साथ साथ आपको भी प्रणाम करूंगी। आज के इस दिवस पर आप सब लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर के इस माहौल को जो सुंदर बनाने का कार्य किया है। देखिए, यूं तो हम करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं, लेकिन करवा चौथ का व्रत 12 घंटे के लिए होता है। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं बीच का व्रत रखती हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के वासी छठ मैया के इस पावन पर्व पर लगातार 4 दिन निर्जला रहकर के इस व्रत को रखते हैं। वो व्रत अपने आप में व्रत ना होकर के एक हमारे जिसे कहते हैं कि तपस्या के बराबर शायद ये 4 दिन हम लोगों के बीच से निकलते हैं। आदरणीय बंधुओं, हमारे बिहार और पूर्वांचल के लोग अपने गांव और अपने मोहल्लों से निकल करके जिस तरीके से भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में फैले हैं, अब तो छठ पर्व हिंदुस्तान से बाहर भी मनाया जाने लगा है। जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश के अंदर इस पर्व को जब भी हम मनाते हैं, लगभग 15 से लेकर के 18 प्रतिशत की लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये अपने आप में शुभ सूचक है। और देखिए, जिस दिन अगर बिहार और पूर्वांचल के लोगों को कह दिया कि आप अपने राज्य में वापस जाइए, तो ऐसा लगता है कि दिल्ली खाली हो जाएगी पूरी की पूरी। ये दिल्ली अगर आज अपने आप में पूर्ण है, ये दिल्ली अगर अपने आप में सबल है, समर्थ है, तो उसमें सबसे बड़ा विशेष योगदान हमारे बिहार और पूर्वांचल के लोगों का है। हम सब मिलकर के आपसे पूर्ण हुए हैं। एक बार पुनः मेरी तरफ से, मेरी विधानसभा की तरफ से और पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे बीच में हमारी बहन अंजू जी हैं, जिन्होंने साधनगर वार्ड से नगर निगम का चुनाव लड़ा। मेरे साथी भाई सत्यवान जी हमारे बीच में हैं, मेरे भाई विकास जी हमारे बीच में हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय से आभार और छठ मैया के चरणों में प्रार्थना कि जिस मनोभाव को लेकर के, जिस मनोकामना को लेकर के आपने छठ मैया को याद किया है, छठ मैया उन सभी मनोभावों को पूरा करे। और सम्मान इस मंच से मैं भी छठ मैया के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि दिल्ली सरकार का एक अभिन्न अंग होते हुए मुझे भी वो शक्ति, वो ताकत छठ मैया मुझे प्रदान करे, ताकि इसी तरह से हम आप लोगों की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जी जी जी, देखिए द्वारका छठ महोत्सव के पावन पर्व पर मैं यहाँ की टीम, हमारे रैसा चंद्रशेखर राय, रॉबिन अशोक जी, तिवारी जी, सभी मेम्बर्स को अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और बहुत सारा आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग और आप लोगों की ये नगर नगर ना हो तो शायद द्वारका के अंदर जो एक अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है, इस तरह के कार्यक्रम संभव नहीं है। मैं अपनी तरफ से और पूरी विधानसभा की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और प्रार्थना करूंगी छठ मैया से कि यहाँ क्षेत्र में रहने वाले हमारे निवासी, उन्होंने जिस मनोभाव से छठ मैया को बनाया है, इस व्रत को, इस त्यौहार को बनाया है, छठ मैया को देखिए, इसको मैं पर्व कहते हैं कि छठ मैया का एक ये पर्व है छठ पूजा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोहल्लों के कोने में, गांव के कोने में, शहरों में, हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में और इन राज्यों से बाहर निकल करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से छठ उत्सव को मना रहे हैं, इसे पर्व ना लेकर के महापर्व का संज्ञा दी जाए। छठ पूजा समिति के सबसे अहम सदस्य भाई कृष्ण मोहन तिवारी जी, जिनको हम सुबह से ढूंढ रहे थे, वो लापता हो गए थे, हम मिल गए हैं छठ घाट पे। कल बच्चे खो रहे थे, आज हमारे तिवारी जी खो गए। किसी को जाता है तो वो भाई कृष्ण मोहन तिवारी जी है, जिन्होंने हर साल सारे घाटों का निर्माण,
करने का बीड़ा उठाया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई किशन मोहन तिवारी जी को सूर्यदेव और ये मोमेंटो भी किशन मोहन तिवारी जी को दे और उनका स्वागत करें, उनका धन्यवाद करें। साथ ही हमारे भाई अशोक सिंह जी थोड़ी अहम भूमिका रहती है और अब इन घाटों को वापस भरने का भी जिम्मेवारी। मैं अशोक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि समय पे सभी घाटों को इस वीडियो को वापस सौंप दें और हमारे भाई अनिल कौशिक जी रानी जी पूरी कैमरा टीम भाई हमारी कैमरा टीम अब इन कैमरा टीम का फोटो ले ली। बेटा गिर मत जाना, बिल्कुल लास्ट पे हो तो आइए साहब। आइए हेलो सब, आइए गिर मत जाना भाई, आगे आ जाओ। करेंगे आए तब डिजिटल चैनल पे रिकॉर्डिंग आपको लाइव प्रसारण किया। हमारे भाई भारत भूषण मालवीय, इनका नाम नहीं भारत भूषण मालवीय नहीं, भारत केतुआ जो आप सभी को केतुआ प्रसाद कलेक्ट करके सभी में वितरित करते हैं। मालविया टेक्नोलॉजीज जिन्होंने इस पूरे छठ पूजा के कार्यक्रम को लाइव वेबकास्ट किया है, छठ पूजा की वेबसाइट द्वारा हम सबके साथ में मेहनत की और हमारे भाई चंद्रशेखर जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे संयोजक हैं, इन्होंने अपने व्यस्ततम समय से ये 24 घंटे हमें प्रदान किए जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब अहमदाबाद में तो वहाँ से यहाँ आए पूजा के लिए और अभी भी यहीं से फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से स्वामी भाई एक बात, इस पूरे कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत, इस पूरे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, इस पूरे कार्यक्रम की जान शान और बान श्री स्वामी भाई जी का हम लोग पूरी कमेटी की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अशोक भाई तिवारी जी मतलब किसी तरह से भी पूरी तरह से बढ़िया तरीके से इनको ढक करके रुपए का सहयोग कर रही है अगली बार छठ घाट में। हम लोग के बीच में बहन आवा सिंह जी है, वो इस कार्यक्रम को देख करके उन्होंने अगली बार के लिए छठ घाट के निर्माण में सहयोग का निश्चय किया है और वो 25,000 रुपए का सहयोग यहाँ दे रही है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ समिति की तरफ से, क्योंकि अगली बार जो सरकार बनेगा वो आपके आवा जी का सहयोग से बनेगा ऐसा है उनका कहना है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, समिति की ओर से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम यहाँ बैठ गए, मैं श्री रावण जी का स्वागत कर रहा हूँ अपनी समिति की ओर से। ये वो आज बात छाते हैं समिति की जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में मुझे ऐसा लगता है कि सब थोड़ा 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 आराम करते हैं, अपने अपने काम में भागते हैं, लेकिन रॉबी भाई एक ऐसी शख्सियत है आप लोगों के बीच में जो एक पल के लिए भी आराम नहीं करते हैं, हर उस काम को देखते हैं, हर उस जिम्मेवारी को देखते हैं, हर उस कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहते हैं, हर उस काम करने वाले से जुड़े रहते हैं, उसके मनोभाव को समझते हैं, उसके सम्मान को समझते हैं और सभी कार्य को सही रूप से कराने में अगर किसी व्यक्ति का योगदान होता है तो हम लोगों के भाई रॉबी शर्मा जी हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अरे त्यागी जी, मैं तिवारी जी और अशोक जी से बाकी सब ठीक है सभी अभिनंदन करूंगा कि रॉबी जी का स्वागत करें, सम्मान करें। रॉबी भाई अध्यक्ष है ऐसा मत सोच के सम्मान करिए, बल्कि ये सोच के सम्मान करिए कि वो हजारों दिलों की धड़कने हैं, हजारों लोग यहाँ पर आके पूजा करते हैं। ये रॉबी भाई का वो संकल्प है जो आज से 15 साल पहले लिया, जो आज की तारीख में भरपूर करके 20 घाटों के प्रवृत्ति हो रहा है। अगली बार हम प्रयास करेंगे ये 20 घाटों की संख्या 25 घाट में बदले। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी ऊर्जा और कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, खासतौर पर समाज के लिए इतना भव्य और सुंदर आएगा। पिछले 15 वर्षों में हमको ये समझ में नहीं आया कि एनर्जी मिलती कहाँ से। जिस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि ये कार्यक्रम शुरू करना है और कार्यक्रम जब संपन्न हो जाता है तब तक हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि हमारी कोई एनर्जी भी लगी है, क्योंकि इतना उत्साह और इतनी श्रद्धा रहती है इस कार्यक्रम में, इतना लोग आगे बढ़ के काम करते हैं हम लोगों की टीम की, उसमें पता नहीं चलता है कि हम लोग कभी रात को जगे भी हैं, इतना लंबा काम भी हुआ है और इतना बड़ा कार्यक्रम इतनी आसानी से आयोजन हो जाता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आदर्श शक्ति जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, कामना करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विराजमान रहती है और उसकी शक्ति और उसका आशीर्वाद से हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाते हैं। ऐसा क्या लगता है जो
छठ पूजा को अगर देखें तो पिछले कुछ सालों तक केवल पूर्वांचल के पर्व के रूप में समझा जाता था। आज आप मेहनत से जुड़ा है, सर्वांचल का त्यौहार हो गया, एक राष्ट्रीय पर्व हो गया है। दिल्ली सरकार ने इसकी छुट्टी की घोषणा करी है। आने वाले समय में जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में छुट्टियां हैं, मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं आने वाले समय में जिस तरह से ये पर्व सभी लोगों में प्रचलित हो रहा है, सभी लोग उसका मान कर रहे हैं, आने वाले समय में एक दो वर्षों के अंदर सभी लोगों को समझ में आएगा और ये राष्ट्रीय पर्व माना जाएगा, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होगी। क्योंकि ये ऐसा आस्था का प्रश्न है, इसके साथ में ये केवल धर्म या जाति या क्षेत्र पे नहीं रह सकता। जब आस्था होती है तो व्यक्ति की आस्था होती है, प्रभु के प्रति आस्था, और जिस तरह से आस्था के बारे में लोगों को जानकारी आ रही है, जिस तरह हम लोग मना रहे हैं और जिस तरह से बाकी चीजें आगे आ रहे हैं, मुझे लगता है द्वारका निवासी जो हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं उनको देना चाहेंगे छठ पर्व के पावन मौके पर। देखिए, द्वारका में जिस दिन से हम लोगों ने पूजा प्रारंभ किया था उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी पूजा करने के लिए, जुड़ते गए और बड़ी शांति से पूजा होती थी। यहाँ पर जो लोग रहने वाले लोग थे वो यहाँ से थे, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती, उनसे अपील करूंगा कि जब भी अब यहाँ पर आते हैं तो और सजनता से यहाँ पर आए, कार्यक्रम को जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहयोग दें, ऐसे ही हम लोग उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि हर तरह का शांति का, सुरक्षा का, जो यहाँ की शुद्धता बनाई गई है उसमें हम लोग का सहयोग करें। और अगर हमारा यह मानना है कि ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात अभी तक हमारे इस जगह नहीं है, ये तो कृपा है दिल्ली सरकार की कही है या केंद्र सरकार की कि इस जगह पर हम पिछले 15 वर्षों से ये कर पा रहे हैं। हमको डर हर बार ये लगता है कि अगर किसी सरकार ने ये इंस्टीट्यूशन लैंड है किसी दिन कोई चीज बन गया तो कहाँ करेंगे, लेकिन भगवान के पास चलता रहा। मैं केवल द्वारका वासियों को निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं वो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि अगर कोई जो जानता है लैंड हमको अलॉट करा सके, जो पैसा लगेगा सरकार का जो नियम से लगता है वो संस्था देगी, और ये कन्वर्ट हो जाए तो ये पूजा स्थल नियमित रूप से हो जाएगा, जिससे हम लोगों का ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बड़ा घाट बना करके जो हम सोचते हैं कि गंगा जी और घाट की परिकल्पना है वो एक सुंदर घाट हम यहाँ बना पाए। धन्यवाद।